यश की आगामी फिल्म KGF 2 के निर्माताओं ने शुक्रवार 26 जुलाई को एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी। इस प्रकार रॉकिंग स्टार के प्रशंसकों के लिए एक सामान्य दिन को विशेष दिन बनाया गया था। 29 जुलाई को सुबह 10 बजे KGF चैप्टर 2 से अधिरा का अनावरण फंबल फिल्म्स पर बन रहे प्रोडक्शन हाउस फंबल फिल्म्स ने ट्वीट किया। पिछले कई महीनों में अफवाहों ने दावा किया था कि निर्माता KGF 2 में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए संजय दत्त के साथ बातचीत कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि सौदा अटक गया है और 29 जुलाई को इसके बारे में औपचारिक घोषणा की गई थी। इससे पहले रिपोर्टों में दावा किया गया था कि संजय दत्त इनायत खलील की भूमिका में दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, KGF चैप्टर 2 में संजय दत्त एक बड़े विलन के रोल में दिखाई देंगे। टीम के करीबी सूत्रों ने पहले ही द इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स को बताया था कि निर्माताओं ने KGF की पहली किस्त के लिए अभिनेता को संपर्क किया था, लेकिन चीजें तब नहीं हो पाई थी। ताजा घोषणा ने प्रशंसकों को आश्चर्यचकित कर दिया है कि संजू बाबा सूर्यवर्धन के भाई अधीरा की भूमिका निभाएंगे, जिसमें KGF में स्वर्ण साम्राज्य का निर्माण होगा। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म की पहली किस्त में बताया गया था कि अधीरा सूर्यवर्धन अपने बेटे गरुड़ को साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाने के फैसले से खुश नहीं था। जाहिर है गरुड़ ने अधीरा को मारने की योजना तैयार की और अपने मिशन में सफल हो गए। अब ऐसा लग रहा है कि कहानी में एक मोड़ है। KGF का पहला भाग जिसे प्रशांत मिल द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है। ये फिल्म सैंडलवुड में एक ऐतिहासिक फिल्म थी, क्योंकि ये फिल्म अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म बन गई थी। इसने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपए से अधिक कमाई की। अब यह पता चला है कि यश के KGF चैप्टर 2 में चरित्र अधीरा का किरदार बॉलीवुड स्टार संजय दत्त निभा रहे हैं। कुछ दिनों पहले निर्माताओं ने अपना चेहरा प्रकट किए बिना अधीरा के पोस्टर के साथ दर्शकों को चिढ़ाया और फिल्म क्रिटिक्स ने घोषणा की थी 29 जुलाई को अधीरा का फर्स्ट लुक शेयर किया जाएगा, जो संजय दत्त के 60वें जन्मदिन पर होने वाला था। और फिर 29 जुलाई को संजय दत्त के साथ फिल्म क्रिटिक्स ने भी फैंस को पोस्टर के जरिए रिटर्न गिफ्ट दिया था, और जो वादा फिल्म क्रिटिक्स ने किया था वो वादा उन्होंने निभा भी दिया। संजय दत्त के अधीरा लुक को हमारे साथ शेयर करके हमने फिल्म से अधीरा का फर्स्ट लुक सबको दिखा दिया। संजय दत्त अपने फर्स्ट लुक पोस्टर में गहन और माहे के रूप में नजर आ रहे हैं। पोस्टर आज बॉलीवुड स्टार संजय दत्त के प्रशंसकों के लिए एक इलाज के रूप में जारी किया गया था, जो आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। संजू अभिनेता ने पोस्टर के लिए KGF के निर्माताओं को धन्यवाद दिया है और कहा है कि वह फिल्म का हिस्सा बनकर बहुत खुश है और उत्साहित भी है। यह अनुमान लगाया जाता है कि संजय दत्त KGF चैप्टर 2 में खलनायक की भूमिका निभाएंगे। KGF चैप्टर 1 पिछले साल दिसंबर में रिलीज हुई और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी जीत भी हासिल की, जबकि इस फिल्म को टक्कर देने के लिए बॉलीवुड के किंग खान की फिल्म रिलीज हुई थी। फिर भी शाहरुख खान की फिल्म जीरो इस फिल्म को टक्कर नहीं दे पाई और बॉक्स ऑफिस पर इसी के साथ इस फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 250 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। दोस्तों बात की जाए इस फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर की कि इस मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर कब आएगा, तो ये मूवी 2020 में रिलीज की जाएंगी क्रिसमस के मौके पर। तो इस मूवी के रिलीज डेट को ध्यान में रखकर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर नवंबर 2020 तक आ जाएगा। आपको बता दें कि अभी तक इस फिल्म से सिर्फ पोस्टर ही शेयर किए जा रहे हैं, इसके अलावा कोई भी नई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन जैसे भी कोई जानकारी हमें मिलती है KGF चैप्टर 2 से रिलेटेड, तो हम हमारे इसी चैनल पर वो जानकारी तुरंत शेयर करेंगे। उसके लिए आपको देना होगा इस वीडियो के लिए एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा, ताकि जैसे ही कोई न्यूज हम इस फिल्म से रिलेटेड डालें तो सबसे पहले आपको पता चले।